साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि विगत दो तीन दिनों से राज्य के अंदर कई समस्याओं के साथ एक ज्वलंत विषय सामने आया है और वो है भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर राष्ट्रपति महोदय का सहमत। क्योंकि राज्य पूरा झारखंड प्रदेश हर जगहों पर ग्राहीमाम की स्थिति है। इसी बीच भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल का एक अति संवेदनशील विषय राज्य के सामने प्रस्तुत किया गया, इसको लेकर के पूरे राज्य में गांव से लेकर शहर तक हरेक व्यक्ति के मन पे कई सवाल और कई विचार आ रहे हैं। और जिस तरीके से समाचार पत्रों में छपी है, उसमें गांव से लेकर के शहर तक ग्रामीण, किसान, नौजवान, मूलवासी, आदिवासियों के मन में एक आक्रोश उमड़ रहा है। इसको लेकर आज संपूर्ण विपक्ष और राजहित में काम कर रहे सामाजिक संगठनों के साथ आज हम लोगों ने यहाँ एक विचार विमर्श किया। कई विषय सामने आए, सामाजिक सौहार्द को लेकर राज्य में जल, जंगल, जमीन के विषय पर यहाँ के भाषा संस्कृति को लेकर बहुत सारे विषय आए। अब लगता है कि अब ये सरकार जिस तरीके से राज्य की जनता को चुनौती देने के लिए खड़ी हो रही है और लाठी के बल पर अहंकार में डूबकर राज्य की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, आज संपूर्ण विपक्ष जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कई लड़ाइयों में हम साथ आ रहे हैं और आगे की लड़ाई में और भी लोग साथ में जुड़ रहे हैं। अब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और मौजूदा सरकार को और सरकार में बैठे उनके सहयोगी, उनके मंत्री को आप जवाब निश्चित रूप से देने की आवश्यकता आन पड़ रही है। हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी सरना, आदिवासी मुस्लिम, मुस्लिम आदिवासी, ना जाने तरह तरह की घटनाएं को अंजाम राज्य में दिया जा रहा है। महिलाओं का अगवा हो रहा है, लड़कियों के साथ आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। कई विषयों पर काफी चिंता का विषय आज के दिन में राज्य के सामने खड़ा है। इस विषम परिस्थिति पर हम लोगों ने अब ये निर्णय लिया है कि अब इस सरकार को झारखंड की असल ताकत दिखाने की आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी की इस धरती पर जिस तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र और कुचक्र सरकार चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे किसान, मजदूर, पढ़े लिखे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे आने वाली नई नस्ल, नई पीढ़ी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, अब इसको जन आंदोलन के ताकत के माध्यम से इस सरकार के कान तक हम कैसे अपने और उनके सोच को नाकाम करने में हम सफल हो पाए, इसकी रणनीति हम लोगों ने बनाई। अभी यहाँ हम लोग सभी कांग्रेस के, आरजेडी के, जेवीएम के, वाम दल के सभी घटक दल
सामाजिक संगठन के लगभग सभी राज्य में सक्रिय सामाजिक संगठनों के साथ यहाँ बैठकर और बासुकी किडो जी और हमारी दीदी दयामणि बरला जी भी यहाँ पर मौजूद है, काफी सक्रिय है। पूरे झारखंड के साथ साथ बंगाल उड़ीसा के आसपास भी इनकी नजर रहती है, किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं और निरंतर ये अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब इन सभी चीजों को, चाहे जमीन से अधिग्रहण, जमीन से जुड़ी विषय हो, चाहे विस्थापन से जुड़ी विषय हो, चाहे रोजगार से विषय जुड़ी हो, चाहे हमारे खनिज संपदा से जुड़ी विषय हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों से विषय जुड़ी हो, इन सब विषयों पर हम लोग आगे की लड़ाई सामूहिक रूप से लड़ने का निर्णय हम लोगों ने बनाया। इस पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जाएगी जिसकी जिम्मेवारी इन लोगों ने मुझे दी है, इनके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेशन कमेटी सरकार के कार्यकलाप, सरकार के नीति और सरकार के जो कुचक्र है, इस पर कड़ी नजर रखते हुए उनको कैसे जवाब दिया जाए, इस पर ध्यान रखेगी। और अभी जो भूमि अधिग्रहण कानून है, इसको लेकर यहाँ पर हम लोगों ने जो कार्यक्रम बनाया है, उसका पहला ये कार्यक्रम का रूपरेखा इस तरीके से है कि 19 तारीख को पूरे राज्य में कुटला दहन सरकार का किया जाएगा, 21 तारीख को प्रखंड स्तर पर पुतला का सरकार के पुतला दहन का कार्यक्रम होगा, 25 तारीख को 25 प्रखंड स्तरीय धरना है सॉरी 21 तारीख को प्रखंड स्तरीय धरना भी होगा और 25 तारीख को जिला स्तर पर बृहत रूप से धरना होगा। सभी माननीय विपक्ष और सामाजिक संगठन के लोग उसमें मौजूद रहेंगे और इन सभी प्रोग्रामों में, और 25 तारीख को जिला स्तर पर, 28 तारीख को महाधर्मा राजभवन पर होगा। लगभग यहाँ पर हम लोग 50,000 से अधिक लोगों को लाने का हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है, ताकि यहाँ की गूंज राज्य की सरकार के कान से लेकर दिल्ली की सरकार तक पहुँचे, इसकी तैयारी के साथ हम लोग आएंगे। 30 तारीख को जो हूल दिवस हम लोगों का होता है, आमतौर पर पारंपरिक रूप से अपने आस्था के अनुरूप लोग जगह जगह पर हूल दिवस का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि पूरे राज्य स्तर पर हूल दिवस को एक संकल्प दिवस के रूप में माना जाएगा, मनाया जाएगा। जल जंगल जमीन बचाओ और झारखंड बचाओ के तहत पूरे राज्य पर सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में और जहाँ जहाँ हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, सभी लोगों को ये मनाना अनिवार्य होगा। और 5 जुलाई को महाबंदी का कार्यक्रम भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है जो 24 घंटे के लिए होगा। 5 जुलाई को महाबंदी का भी निर्णय लिया गया है जो 24 घंटे के लिए होगा। पूरा झारखंड, ये पूरे झारखंड के लिए होगा। और इसमें जो आपातकाल व्यवस्थाएं हैं उनको इस बंद से मुक्त रखा जाएगा। धन्यवाद। क्या आप लोग दिल्ली भी जाएंगे, राष्ट्रपति महामहिम के पास भी गुहार लगाएंगे? वहां भी जाएंगे, उसकी रूपरेखा हम लोग फिर आपको बताएंगे। अभी ये हम लोग का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा, फिर बहुत ये चूंकि लड़ाई चूंकि अब इन लोगों ने चुनौती दिया है, तो इस चुनौती को भी हम स्वीकार करते हैं और इस चुनौती का जवाब इस राज्य की जनता के साथ मिलकर, इस राज्य के किसानों के साथ मिलकर, इस राज्य के मजदूरों के साथ मिलकर इनको जवाब देना। इससे क्या नुकसान होगा झारखंड की जनता को, इस बिल से क्या नुकसान होगा झारखंड की जनता? अरे कितनी बार ये बात गला फाड़ फाड़ करके हम लोग बोले,
और वो भी गला फाड़ फाड़ करके बोलने से नहीं कुछ है कि कृषि भूमि जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। जब नहीं होगी तो फिर ये बिल बना क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ। पहले ये सरकार सुनिश्चित बताए, श्वेत पत्र जारी करे। मैं आपके माध्यम से कुछ सवाल भी पूछ लेता हूँ सरकार से कि अलग राज होने के बाद इस राज में कितनी जमीनें थी, टोटल कितने जमीनें थी, कितने सीएनटी में थी, कितने एसपीटी में थी, उसके बाद आज की अद्यतन स्थिति क्या है। आज इन लोगों ने मोमेंटम झारखंड के नाम पर जितने जमीनें बांटी उन जमीनों का ब्यौरा कहाँ है। आज इस कानून के पीछे जो ढका हुआ इनका चेहरा है, जो इनका जो हिडन एजेंडा है वो ये नहीं दिखा रहे। ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, और इनकी ये चालाकी चतुराई हम इस तरीके से दिखाएंगे आने वाला समय में। मैं निश्चित रूप से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता गांव में घूमने लायक नहीं होगा। सर, लेकिन कल लक्ष्मण जी ने कहा सर कि आप भ्रम फैला रहे हैं, कहीं पर नहीं है कि सरकार का जमीन खरीद करके और प्राइवेट को दे देगी, ऐसा कुछ होता है आप लोग संशोधन में कहीं नहीं है कि सरकार जमीन ले करके और उसको प्राइवेट को। आइए कहां बहस करेंगे, तैयार हैं इस चुनौती के लिए, तैयार हैं। और उसमें सिर्फ एक ही वो किन से बहस करना चाहते हैं, हमसे करना चाहते हैं, बंधु जी से करना चाहते हैं, बस्ती के लोग जी से करना चाहते हैं, प्रेम साई जी मुंडा जी भूटान जी से किससे करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है, जो आप लोग इतना बैठक कर रहे हैं आंदोलन में, हुआ क्या है ये जानकारी है? बिल्कुल जो सरकार, मैं थोड़ा इंटरवीन कर रही हूँ, माफ करिए।